Welcome to our channel, the Sweet Bond Unlimited. तो पापा आज का वीडियो आपको नहीं बताना क्या होगा? आज का वीडियो is planned by यस्तिका and यस्तिका मेरे को आज बोली पापा आज का वीडियो मैं बनाऊंगी तो मैंने कहा इसलिए मैंने पापा को टॉपिक भी नहीं बताया। हाँ मुझे आज कुछ भी नहीं पता कि ये लड़की क्या करने वाली है क्या नहीं। Everything is made by her and hope आप लोगों को इससे कुछ सीखने को या कुछ मज़ेदार चीज करने को मिलेगी। एंड वैसे तो ये लड़की बिना मज़ेदार वाली चीज़ें तो हाथ भी नहीं लगाती, तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि आज क्या ये मतलब पापा के साथ क्या करने वाली है। हाँ ठीक है, टॉपिक बताओ पापा आज के वीडियो का। हाँ बताओ टॉपिक क्या है, मैं भी सुनूँ वो भी सुने सब सुने। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है हाउ टू इन्वॉल्व डैड। तो फ्रेंड्स मैं आपको फर्स्ट तरीका बताती हूँ क्या है, आ जाओ। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास, क्या बताने वाली हो तुम? अरे पापा सबर करो सबर करो। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। चलो सबर कर लिया, अब बताओ। अच्छा तो पहला तरीका ये है, तो चलिए शुरू करते हैं, कि आप अपने पापा को एक जोक बताओ और पापा को बोलो वो भी आपको एक जोक बताए। हाँ। इससे वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। अरे वाह यस, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप अपने पापा को या अपने पेरेंट्स को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को, भाई मदर को, किसी को भी इसमें अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं और एक आपका भी अच्छा टाइम पास होगा, आपके पेरेंट्स का भी अच्छा टाइम पास होगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, सो अब ये यस्तिका तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स हैं ऐसे? बहुत सारे बहुत सारे। चलो देखते हैं यस्तिका सेकंड पॉइंट क्या बताएगी वो भी देखते हैं। ठीक है चलो देखते हैं। तो सेकंड वाला इन्वॉल्वमेंट ये है, बताओ बताओ कौन सा इन्वॉल्वमेंट है आपको भी जानना है ना फ्रेंड्स। चल देर नहीं करती हूँ, बता ही देती हूँ। हाँ। जो सेकंड वाला इन्वॉल्वमेंट है वो है कि आप अपने पापा के साथ वीडियो गेम खेलो, जैसे कि लेट्स गो हूप्स और स्नेक स्क्वाड और प्ले स्टेशन यस, और बहुत सारे रोब्लॉक्स और माइनक्राफ्ट, बहुत सारे गेम्स हैं अपन खेल सकते हैं। आप ऐसे भी इन्वॉल्व कर सकते हो आपके पास बहुत सारे हैं। थर्ड इन्वॉल्वमेंट ये है कि आप अपने पापा के साथ बोर्ड गेम खेल सकते हो। अच्छा तभी ये कभी कभार मेरे पास वीडियो गेम लेके आ जाती है, कभी वो ब्लोकर्स, सांप सीढ़ी, लो वो फ्रेंड्स आपको पता है लॉकडाउन सीक्वेंस कार्ड्स। पापा आपको पता है, सॉरी फ्रेंड्स आपको पता है कि जब लॉकडाउन चलता था ना तो हम लोग ये सारे गेम्स खेलते थे एक जगह पर बैठकर पूरी फैमिली, है ना? कैरम खेलते थे हम। हाँ। रात का एक एक घंटा हम कैरम खेलते थे दोनों मिलके, और हमेशा पापा ही जीतते थे, पता नहीं क्या है पापा को मैं तो हार जाती थी। बहुत सारे आइडियाज है गाइस उसके पास, सीरियसली अभी आपको सारे आइडियाज बताएगी, आपको इतने सारे आइडियाज मिलेंगे अपने पेरेंट्स के साथ खेलने के लिए, आपको मजा आ जाएगा। और भी बहुत सारे अभी और भी बता रही है, और कौन कौन से बताओ यस्ती। चलो फोर्थ बताती हूँ। चार तो चलो अभी मैं आपको बताती हूँ फोर्थ 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 बल्ले 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 बल्ले। हाँ फोर्थ, चलो फोर्थ बताओ क्या और कौन कौन से वेज में तुम मुझे अपने साथ इन्वॉल्व करती हो, बताओ इनको बताओ। फोर्थ इन्वॉल्वमेंट इज पापा के काम में पापा ही मदद करो। एग्जाम्पल पर जाना आपको, चलो बता, पापा का कुरियर लाना हो तो पापा का कुरियर दे दो उनको, और यस्तिका पापा बड़ी की फेयर लाना हो। हाँ तो ये यस्तिका तो करती है, मुझसे कई बार आके मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, ऑफिस का काम कर रहा होता हूँ तो पापा को टाइम पे दवाई भी खिलाती है, एक साल से करती आ रही है। ये तो है, मेरी पूरी दवाइयों का इसका उसका ध्यान इसी के पास है।
कब देनी है, कौन कैसे देनी है, कौन सी देनी है, ये तो मम्मी देती है इसको निकाल के, लेकिन लेके मेरे पास आती है, टाइम ध्यान रखती है कि इस टाइम पे पापा को ये दवाई देनी है। और पापा तो जैसे ही बाहर जाते हैं तो पापा को याद दिलाती है मास्क लगा के जाना है, बल्कि सबको घर में याद दिलाती है कि मास्क लगा के जाओ। और कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो यस्ती? और एक चीज मुझे भी भूल गया। स्कूल से आती थी ना तो एक कोरियल आया था, तो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी मैं पापा को कोरियल दे रही हूँ। ये तो है, ये तो मेरी मदद तो ये पूरी करती है, मेरी चीट चीट मैं हमेशा पापा के पास कोरियल ले जाती थी स्कूल से आती, कुछ ना करे शूज उतार कर सीधे पापा के पास जाती हूँ। अच्छा और कैसे और क्या क्या आइडिया दे सकती हूँ? फिफ्थ एनवायरमेंट ये है कि अपने पापा को बोल, आप किसी को भी बोल सकते हो, एक स्टोरी बता दो बस, स्टोरी सुनाओ। और स्पेशली रात में आके तो जब ये मेरे पास होती है तो मेरे पास आके हमेशा मुझे बोलती है पापा एक स्टोरी सुनाओ, ये सुनाओ, एक स्टोरी मैं सुनाऊंगी एक स्टोरी आप सुनाओ, इसकी स्टोरी तो भाई साहब कौन सी, कहाँ ए होता है, कहाँ बी होता है, कहाँ सी होता है, कहाँ सर होता है, कहाँ पैर होता है, वो कुछ पता नहीं होता, लेकिन इतना मजा आता है ना उनको सुन के, सारी थकावट दूर हो जाती है। और फ्रेंड्स मैं मेरे ड्रीम्स भी सुनाती हूँ। एक ड्रीम तो मेरे मस्ती और मैजिकल हिस्स का पार्ट के चाहिए। हाँ, इसके ड्रीम्स भी अमेजिंग होती है, ड्रीम्स भी डिस्कस करती है, गजब गजब ड्रीम्स। एक तो ड्रीम में ये भी हुआ कि हम लोग एक मॉन्स्टर के मुंह पेट के अंदर चले गए थे और उसने उल्टी करी तो हम बाहर निकल गए। गजब है गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत मजा आता है स्टोरी सुनने में और सुनाने में, तो ये इस्तीका का जवाब ही नहीं, आप सुनते ही हो कि कितना बोलती है, क्या बोलती है। ये हमारे घर की छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो ये कुछ भी कर सकती है। मैं क्या करूं? और कौन कौन से आइडियाज हैं इसकी? चलो सिक्स्थ बताती हूँ आपको, चलो। अच्छा तो पापा सिक्स्थ और सेवन्थ भी बता दूं मैं? हाँ बताओ, कितने हैं तुम्हारे पास यार ऐसे आइडियाज? पता नहीं, मुझे मतलब तो कुछ ही बता दूं उनमें से, मुझे तो 100 साल लग जाएंगे सारे बताने में। ये फेका में उस्ताद है हमारी, चलो बताओ जी आगे बताओ। और अच्छा जो सिक्स्थ, आप अपने पापा को खींच कर बाहर ले जाकर बताओ क्या खेलो, कोई भी गेम खेलो बाहर वाला, जिसके आप बाहर जाकर बिट्टू खेल सकते हो, पिट्टू खेल सकते हो, स्टापू खेल सकते हो, छुपन छुपाई खेल सकते हो, और लंगड़ी टांग खेल लेती है, लंगड़ी टांग भी खेल सकते हो, और दौड़ने वाले क्या बोलते हैं पापा, पकड़म पकड़ाई भी खेल सकते हो, पकड़ाई भी खेल सकते हो। तो ये मुझे ऐसे ही करती है, कई बार ना मेरे को छत पे ले जाती है और छत पे ले जाके बोलेगी पापा चलो अपन आज पकड़ा खो खो खेलते हैं, मैं सारे दोस्तों के साथ आई हुई हूँ, खो खो खेलेंगे या स्केटिंग करेंगे, या कभी कभार तो मतलब पकड़म पकड़ाई खेल लो, छुपन छुपाई खेल लो, बहुत मजा आता है। सीरियसली यार वो बचपन का ना लाइफ वापस आ जाती है। मतलब और मैं मामा के घर जाती हूँ ना, हमेशा मामा मुझे साइकिलिंग करने ले जाते हैं, साइकिलिंग करने। और क्या हो सकता है, और कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं पापा? बहुत सारे पॉइंट है इसके पास। सेवंथ वाले बताऊं? चलो ठीक है, सेवंथ वाले ये है कि पापा को बोलो कोई रेसिपी बनाए, जैसे पापा कभी कभी पोहा बना देते हैं, कभी बहुत रेसिपीज पापा फेसबुक में देखकर बनाते रहते हैं घर पर। तो सीरियसली मेरे को ना इसको मैगी मेरे हाथ की चाहिए होती है। मेरे सारे कजिन्स को पापा के हाथ की मैगी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। मैगी हो गया और भी बहुत, पोहा हो गया, पोहा हो गया, पॉपकॉर्न बनाना है तो पॉपकॉर्न बना दो पापा के हाथ की, पॉपकॉर्न मुझे इतने पसंद है, फ्रेंच फ्राइज बना दो, बस यही सारे का पापा के सारे जंक फूड हाथों से इतने टेस्टी होते हैं। अच्छा अभी और भी बच्चे क्या, कुछ और भी इन्वॉल्वमेंट? ऐसे तो तुम मेरे को एक मतलब ना मेरे एक सेकंड ऑफिस हो गई हो तुम। दो तीन बच्चे हैं अभी, चलो वो भी बता दो। चलो ठीक है, ओके तो अभी मैं आपको 8th और 9th बताऊं। हां बताओ। मैं 9th में कैसे पहुंच गई, मैंने तो 1 की स्किप काउंटिंग कर दी। तुम की टेबल भी बोलती समझ। चलो बताओ आगे और क्या है। चलो 8th में बताती हूं, 8th है आप कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए जाओ, जैसे कि कभी शिमला चले जाओ, कभी ऐसे अपने घर के पास रोड पर घूम लो, एंड बहुत सारे हैं गाइस। ये सीरियसली ना मुझे रात में कभी जैसे उसका मूड बन गया तो मेरे को और मम्मी को चलो पापा आज अपन लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, और इसको लॉन्ग ड्राइव नहीं जानी होती, इसको आइसक्रीम खानी होती है, तो
तो ये आइसक्रीम तो डायरेक्ट बोलती नहीं है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो ये क्या बोलती है, पापा घूमने चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और रास्ते में कहीं आइसक्रीम खा लेगी, कभी 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 भुट्टे खा लेती है, कभी कभी मतलब पेस्ट्री ले लेगी, कभी कुछ, कभी डोमिनोज जाना है, कभी इसको मैकडॉनल्ड जाना है, तो बस यही सभी चलता रहता है इसके साथ। बस इसको बाहर जाने का इतना शौक है, खाने का इतना शौक है कि बस और क्या क्या कर सकते हैं। नाइट, हाँ बताओ। क्राफ्ट करो अपने पापा के साथ, क्राफ्ट बनाओ। जैसे कि कभी पापा के साथ में ना मेरा आईपैड पे 5 मिनट्स क्राफ्ट खोलते हैं और जो उसमें क्राफ्ट करवाते हो पापा और मैं करते रहते हैं बैठ कर। कभी बोतलें ले आएगी, कभी मोतियां ले आएगी, कभी कुछ ले आएगी कि पापा मेरे साथ बैठ के ये बना दो, सारा सामान मेरे साथ वो बना दो। अभी आपने हमारा पिछला वाला वीडियो देखा ही, जो उसने मुझसे एक बार स्लाइम बनवाया, एक बार आटा गूंद के डो से हम लोग ने स्माइलीज बनाए, बस ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे, आप देखो पीछे बहुत सारे काम कराती रहती है ये मुझसे, बहुत सारे वीडियोस हो गए अभी तो फ्रेंड्स। ठीक, और भी कुछ सारा चैलेंज, सबसे पुराना वीडियो, और भी कुछ है जैसे अभी ना, टेंथ भी तो बताऊंगी ना। ठीक है चलो बता दो। टेंथ ये है कि कुछ नया सिखाओ, मोदी ने क्या बोला, पापा आज बाइडेन ने क्या बोला, पापा आज कौन जीता, आज किसने सिल्वर मेडल जीता, आज किसने गोल्ड मेडल जीता, और फिर जब मैं इसका इसमें ये मेरा इसमें दिमाग खा लेगी, उसके बाद में कोई मैथ्स का सम ले आएगी, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट ले आएगी। और पापा एक एक चीज आपने नहीं बोली, ये करती है, इसको पता होगा क्या करती है, बता दो कि पापा मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, वो तो है ही वो तो बता रही है ये ना बीच बीच में ऐसे गुगली डाल ही देती है, इसकी आदत है गुगली डालने की। सो गाइस होप कि इसने जो टुडेस वीडियो, हाँ, एंड ये जितने भी चीजें इसने बताई है, सीरियसली ये हर पेरेंट्स को, हर बच्चे के काम आने वाली चीज है। आप अपने पेरेंट्स को, मैं ये नहीं कहता कि हर बार पापा को ही इन्वॉल्व करती है, बट हाँ 90% टाइम्स तो ये मुझे ही इन्वॉल्व करती है, क्योंकि मम्मी इसकी बाकी चीज़ों में घर के इसमें उसमें लगी होती है, मैं ऑफिस से आया, ऑफिस आके बस मुझे पकड़ लेती है कि पापा अब मेरा टाइम है। मुझे भी मज़ा आता है कि कुछ ऑफिस की प्रॉब्लम से इससे उससे थोड़ा सा टाइम डाइवर्ट हो जाता है, एंड बच्चे तो खैर बच्चे ही हैं, मज़ा तो आता ही है। सो गाइस सीरियसली आप ये वीडियो देखो, पूरा देखो, और ये 10 पॉइंट, हाँ, और ये 10 पॉइंट जो इस्तिका ने बताए हैं उसको अमल में लाओ, सीरियसली बहुत मजा आएगा। तो अब हमारा क्या, पूरा वीडियो तो देखना लेकिन आगे आगे कर 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 में देखना, ठीक है? ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज बेल आइकन, कमेंट, और हमारे सारे वीडियो देखो, पुराने वीडियो देखो, नए वीडियो देखो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल, बाय।